हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जीरो फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चला रखा हूँ, तो आप मेरी ये सभी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर इंडिया की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनसे निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, MPhil PhD की वैकेंसियों से आपको सबसे पहले रिसेंटली अपडेट रखता हूँ। यदि आपको इसी तरीके से रिसेंटली अपडेट रहना है तो इस चैनल को 100% सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और यदि आप ज्योग्राफी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो यहाँ पर सारी क्लासेज चलाई जाती हैं ज्योग्राफी की, पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, तो इसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम बात करते हैं कि मैं एक स्टेट है जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा स्टेट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वो है स्टेट झारखंड। आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली झारखंड स्टेट है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं जो बिल्कुल दिख रहा है आपको कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, झारखंड की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आप चाहो तो यहाँ पर फॉर्म फिल करके और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। अब इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं कि जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो वहाँ पर टोटल 11 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं? टोटल पोस्ट 11 हैं। जॉब लोकेशन रांची में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? रांची में रहेगी। और जो लास्ट डेट है वो है 9 अप्रैल 2020। 9 अप्रैल 2020 इसकी लास्ट डेट है, तो आप 9 अप्रैल से पहले पहले ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो ये एक गवर्नमेंट जॉब है, ये ध्यान रखना, प्राइवेट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन डिटेल है उसकी बात की जाए, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी है उसकी बात की जाए, तो यदि आप जनरल से हो तो आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और यदि आप OBC SC ST से हो तो आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही यहाँ पर बिल्कुल डिक्लेयर किया गया है कि देखो, यहाँ पर बी साइड फिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो UGC नेट भी हो सकता है, CSI या नेट भी हो सकता है, और ए सिमिलर टेस्ट एक्रीडिशिएट बाई द UGC लाइक स्लेट सेट और हु आर और हैव बीन अवार्ड ए PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, उसमें सबसे पहली है कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ यदि आप जनरल से हो तो, और OBC SC ST से हो तो आपकी मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। साथ ही आपका नेट भी कंपलसरी है। यहाँ पर नेट बहुत कंपलसरी है, नेट नहीं है आपके पास तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है। आपके पास नेट, सेट, इन दोनों में से कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए। कौन कौन में से? या तो नेट होना चाहिए आपके पास या फिर सेट होना चाहिए। और भी बात जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो ये आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, तो ये था इसका कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपको याद ध्यान रखने हैं। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है, सिलेक्शन विल बी बेस्ड अदर एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बेस पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसको हम रिटर्न एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यदि आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और जैसे ही आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी दोनों को मिलाकर, और फिर उसके बेस पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होंगे। तो ये था इसकी जो जनरल इंस्ट्रक्शन थी वो, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और इसका फॉर्म फिल करके और यहाँ पर जॉब करने का अच्छा मौका ले सकते हो। यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको मिलेगी समथिंग 92,300 के आसपास सैलरी मिलेगी आपको यहाँ पर, और इसके लिए आप यदि फॉर्म फिल करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जाके और क्लिक कर सकते हो जैसे मैंने ये किया है।
इस तरीके से आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में बता दूँ आपको, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड गवर्नमेंट जॉब्स, इसके ऊपर जाके और आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप फॉर्म फिल करके अपनी जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट करो। साथ ही साथ यदि आपको रिटर्न एग्जाम की सही ढंग से प्रिपरेशन करनी है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और यहाँ पर मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, यदि आप ज्योग्राफी से हो तो मेरी इन सभी क्लासेज को ज्वाइन करो, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। फिर मिलते हैं हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से निकलने वाले ऐसे वीडियो के साथ। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर हम मिलते हैं किसी भी ज्योग्राफी के वीडियो के साथ या फिर नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।